हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माय जियो ऐप से रिचार्ज कैसे करें और जो डिस्काउंट वाउचर है उसे ऐप कैसे अप्लाई करें, कैसे रिडीम करें जो हमें वाउचर मिला हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए माय जियो ऐप ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाउचर जो है ना सभी के पास रहते हैं और सभी के जो नंबर हैं उन पर पड़े हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास 21 वाउचर पड़े हुए हैं अभी, ये आप देख सकते हैं माउच वाउचर में जाके। ठीक है, लेकिन ये वाउचर तभी अप्लाई होगा जब आप 300 से ऊपर का रिचार्ज करेंगे। ठीक है, तब आप एक वाउचर को रिडीम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप सभी को कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास 21 वाउचर पड़े हैं 50-50 के, लेकिन मैं इन्हें ज़्यादा रिडीम नहीं कर सकता। मतलब 300 से ऊपर के रिचार्ज पर ही यह रिडीम होगा, वो भी 50 रुपये एक वाउचर ओनली, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब जो है ना आपको रिचार्ज कैसे करना है, आपको रिचार्ज पर क्लिक करना है। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद अगर आप 149 का प्लान लेंगे तो ये वाउचर अप्लाई नहीं होगा, आपको 349 या 399 का लेना पड़ेगा, तब जाके यह जो है ना वाउचर, एक वाउचर रिडीम कर पाओगे आप। ठीक है, मैं 399 का ले रहा हूँ जिसमें 84 डेज की वैलिडिटी है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ये ऐसी विंडो खुल जाएगी। अब आपको अप्लाई डिस्काउंट वाउचर पे क्लिक करना है, तभी ये 399 का रिचार्ज कर रहा हूँ तो ये मुझे पड़ने वाला है 349 का। ठीक है, तो ये माइनस 399, 50 माइनस होगा 349 पड़े। ठीक है, तो ये जो 399 वाला जो प्लान है ये मुझे पड़ने वाला है 349 का। ठीक है, अब पेमेंट पूछ रहा है किससे करना चाहते हैं आप, पूछ रहा है पेमेंट आप किससे करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं, जियो मनी से, पेटीएम, फ़ोनपे, क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग। ठीक है, तो अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड पर इसको इस प्रकार एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप डेबिट कार्ड पर इस प्रकार एंटर करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होने लगेगा। और क्या है, मेरा नेट ख़त्म हो चुका है इस वजह से स्लो चल रहा है। फिर आपको ऐसे ही आपके सामने जो है ना इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपको मंथ, ठीक है, एक्सपायरी डेट और ईयर, और यहाँ CVV नंबर 3 अंकों का रहता है उसे एंटर कर देनी CVC। ठीक है, कार्ड हो लगना है और मेक पेमेंट कर देना, तो OTP आएगा तो पेमेंट आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट है वो UPI के थ्रू करने वाला हूँ। ठीक है, और क्या है, पेटीएम तो मैं रखता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरा उस पर अकाउंट है, बना हुआ है, और बैलेंस बैंक अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं जो है ना UPI से पेमेंट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं पे पर क्लिक करता हूँ। इसमें क्या है, मेरा नेट भी पैक ख़त्म हो गया, 2G पे चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, इस पर प्रोसेसिंग होने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी, ये देखिए UPI का, ये काफ़ी सेफ वे है पेमेंट करने का, काफ़ी सेफ वे है ये पेमेंट करने का। ठीक है, ये मर्चेंट नेम रिलायंस जियो हो गया, पेमेंट अमाउंट 300, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नो। ठीक है, तो यहाँ मुझे जो UPI ID है उसे पेस्ट करना होगा, इंटर करना होगा। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, माई जियो ये गूगल पे पर। तो मैं जाके ये मेरा UPI ID है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो UPI ID है वो कॉपी कर ली। अब उसके बाद मुझे वापस माई जियो पे जाना पड़ेगा, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे जो है अपने UPI ID पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा UPI ID है। उसके बाद मेक पेमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए। टू कम्प्लीट योर ऑनलाइन पेमेंट प्लीज़ फॉलो द स्टेप, अभी बोला लॉग इन टू योर SBSP OKICI एप्लीकेशन, यू विल रिसीव अ कलेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा गूगल पे पर, और गूगल पे पर जाने के बाद मुझे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मुझे जो है ना रिक्वेस्ट आ चुकी है, ये देखिए यहाँ पे इंडिया डियर्स। ठीक है, ये देखिए यू रिसीव अ रिक्वेस्ट, ये देखिए 349। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जो है ना सिर्फ पिक करना पड़ेगा, इस पर इंडिया आइडियाज़ लिखा हुआ, India Ideas@ICI। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मुझे आई है, देखिए यू रिसीव अ रिक्वेस्ट 10:04 AM,
1-8-2000, ठीक है। तो मैं इसे डिक्लिन मतलब इनकार करना, पे मतलब चुकाना, ठीक है। तो मैं पे कर देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है, और फिर मुझे अपना UPI पिन डालना है, इसे मैंने डाल दिया। और ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। क्या है, मेरा नेट स्लो है, 2G पे चल रहा है, डेटा ख़त्म हो चुका है। तो ये लिख बोल रहा है पेमेंट प्रोसेसिंग, अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक, बी विल नोटिफाई यू व्हेन द पेमेंट इज डन। कभी कभार क्या हो फ्रेंड्स, टाइम लगता है, ठीक है, पेमेंट होने में, लेकिन आप दोबारा से जो है अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो डबल अमाउंट आपके खाते से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही बार करना है और इसे क्लोज़ कर देना है। थोड़ी देर बाद आप जो है ना वहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका रिचार्ज हो जाएगा। इसलिए आप दोबारा से रिचार्ज कतई ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है, और आपका जो है ना पेमेंट हो जाएगा, आपका रिचार्ज कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, और इसमें से देखिए पेमेंट प्रोसेस हो रहा, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभार, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ माई जियो पर, फिर से वो क्लोज़ हो चुका है, लेकिन पेमेंट जो है ना मेरे अकाउंट से कट चुका है, और रिचार्ज भी हो जाएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ, तो अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स जो बैलेंस है वो मेरे अकाउंट से मतलब जो पैसा है अकाउंट से कट चुका है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ बैलेंस। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 666 की समथिंग पैसा था, जो कि अब कट के 370 रुपये बचा है। तो पैसे कट चुके हैं अकाउंट्स में, ठीक है। लेकिन जो अभी ट्रांजेक्शन है वो देखिए, अभी ये बता रहा है, ये देखिए पेमेंट जो है ना अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। और फ्रेंड्स इसमें मुझे एक स्केच कार्ड भी मिला हुआ है, देखिए ये लिखा है नीचे, इससे पेमेंट करने का गूगल पे से, ठीक है, यू अर्न अ स्केच कार्ड। जबकि अगर ये से मिलता नहीं है वैसे, अगर मैं, क्योंकि गूगल पे में जाकर ही पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन मैंने माई जियो ऐप में जाके रिक्वेस्ट डालकर पेमेंट किया, आपने खुद देखा, ठीक है। तो इसमें मुझे एक स्केच कार्ड मिला, चलिए इसको स्केच करते हैं। ये देखिए अब मैं इसको स्क्रैच करने वाला हूँ। इस पर लिखा है अर्न अप टू ₹1,000 फ्रॉम गूगल पे, अर्न फॉर पेइंग इंडिया आइडियाज़ 349। तो ये इंडिया आइडियाज़, तो ये जो है क्योंकि मैंने इंडिया आइडियाज़ को पे किया है इसलिए मुझे स्क्रैच कार्ड मिला। चलिए मैं इसे स्वाइप करता हूँ, ये देखिए ये मुझे ₹18 का स्क्रैच कार्ड भी मिल चुका है, जो कि अब मेरे थोड़ी देर बाद मेरे खाते में जो है ना ये प्रोसेसिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये अभी अकाउंट में पहुंच जाएगा, ये देखिए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो स्केच कार्ड मुझे मिल चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं कि रिचार्ज हुआ है या नहीं, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स टाइम लग जाता है, कई बार जल्दी हो जाता है, लेकिन आजकल वो मेरा नेट भी काफ़ी स्लो था, तो इस वजह से टाइम लग गया उसमें, ठीक है, और पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा था, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कट चुका था, आपने भी देखा। और इसमें फ्रेंड्स कभी कभार आधे घंटे या पौन घंटे का टाइम लगता है रिचार्ज होने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मेरा जो प्लान है वो 399 वाला वो एक्टिवेट हो चुका है, जो कि 2 अप्रैल 2019 तक चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में मुझे जो है ना कूपन भी मिला हुआ है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं कूपन मुझे आज ही अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो मुझे आजियो का कूपन मिला है, इस पर लिखा है फ्लैट रेज 399 ऑफ ऑन, अभी ये नई न्यू ईयर पर जो है ना आजियो रिलायंस वालों ने, रिलायंस का ये शॉप है आजियो, ठीक है, तो इस पर जो है ना ₹400 का ये कूपन है, जो कि मैं ₹1,000 से अगर ऊपर की शॉपिंग करूँगा मिनिमम ₹1,000 की, तो मुझे जो इस पे 399 का ये जो कूपन है ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो जो प्रोडक्ट है अगर 1,000 का होगा तो 600 का पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसमें जब भी अगर आप गूगल पे या पेटीएम भीम यूपीआई से पेमेंट करें, तो कई बार जो है ना अपने अकाउंट से जो है ना पैसे कट जाते हैं, और कई बार अगर कभी बार दो बार अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक पेमेंट प्रोसेसिंग में रहेगा तब तक जो है आपका रिचार्ज नहीं होगा, जब पेमेंट प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ रहता है,
ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुका है और रिचार्ज नहीं हुआ, तो कई बार आधे घंटे पौन घंटे लग जाता है। ठीक है, तो मेरे आज जो है ना कम से कम 1 घंटे पौन घंटे लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद जो है ना रिचार्ज हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार नेट स्लो होने की वजह से भी टाइम लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो मुझे ये पड़ा है 331 रुपये का ये प्लान मुझे पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये देखा आपने, ये जो 399 वाला प्लान है मुझे 331 का कैसे पड़ा। मुझे वहाँ से भी कैशबैक वो वाउचर वो स्क्रैच कार्ड मिला गूगल पे से 18 रुपये का, और यहाँ से 50 रुपये का ये वाउचर अप्लाई हो गया। तो मुझे ये प्लान जो है ना 399 वाला ये कितने का पड़ा, 331 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में ये जो आजियो का कूपन भी मुझे मिल गया है, जिसे मैं आजियो की साइट पर जब शॉपिंग करूँगा तो वहाँ पर इसे प्रोमो कोड को इस कूपन कोड को डाल दूंगा, तो मुझे जो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है वो मैं 600 रुपये में खरीद सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।